हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 4 इंची ग्राइंडर स्पार्किंग बहुत करता है, तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या ख़राब है। सबसे पहले हम इसमें का कार्बन निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें का आर्मेचर निकालेंगे। तो दोस्तों अगर इसमें का हम कार्बन नहीं निकालेंगे तो आर्मेचर बाहर नहीं निकलेगा, तो इसमें फंसा ही रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम कार्बन निकालते हैं। अब ये हमारा आर्मेचर बाहर निकल आया है। ये आर्मेचर पूरा जल गया है और इसमें तार भी बहुत टूटे हैं। तो दोस्तों ये आर्मेचर सस्ता वाला है और ये लोकल कंपनी का है, जो कि कुछ लोकल कंपनी लगा कर देती है। अब हम फील्ड कॉइल को बाहर निकालेंगे और बाहर से चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें का हम कनेक्शन हटा देंगे और कनेक्शन हटाने के बाद इसको तार को सीधा कर लेंगे। उसके बाद इसको ज़मीन में हम पटक के फील्ड कॉइल को बाहर निकालेंगे। यह हमारा फील्ड कॉइल बाहर निकल गया है और ये भी जला हुआ है, ये भी पूरा काला हो गया है। इसमें की भी एक वायर टूटी है, ये देखो, ये दोस्तों ये देखो, यहाँ पर भी एक तार टूटी है। इसका मतलब कि दोनों ख़राब हो चुका है इसका। तो दोस्तों अगर आपका आर्मेचर और फील्ड कॉइल दोनों ख़राब हो जाए तो आप ग्राइंडर मत बनवाएं, क्योंकि इसमें पैसा लगाने से अच्छा है कि आप नया ले लें जो कि अच्छी कंपनी का हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।